श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से साईदास स्कूल की ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन की शुरुआत प्रभु भजनों से हुई। कथा के पांचवें दिन कथावाचक विश्वविख्यात भागवत कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कहा, जो दूसरों को आनंद दे वे नंद और जो यश का दान करें वे यशोदा है। ऐसे दूसरों के यहाँ आनंद और यश की अनुभूति कराने वालों को ही श्री कृष्ण रूपी धन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व CPS KD भंडारी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश जुनेजा, प्रधान सुनील नैयर, उप प्रधान एडवोकेट उमेश ओहरी, महासचिव संदीप मलिक, कोषाध्यक्ष चंदन वडेरा, उप कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन चड्ढा, विशेष सलाहकार महेश मखीजा, सह सचिव नरेंद्र वर्मा, बलवेंद्र शर्मा, रिंकू मल्होत्रा, संजय सहगल, भूपेंद्र सिंह बिल्ला, अश्वनी कुमार आशु, अंकुश जुनेजा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पहले वसुदेव जी के गोद में पधारे प्रभु, फिर हमने देखा छोटे से गोपाल पालने में झूलते हुए दर्शन दे रहे थे, कितनी प्यारी झांकी थी। कल ऐसा नहीं लगा, आपको सत्य बताऊं बंधुओं, कल ऐसा नहीं लगा कि 5,500 साल पहले ठाकुर जी गोकुल में आए होंगे। कल तो ऐसा ही लगा मानो जब आए होंगे सो आए होंगे, कल तो जालंधर के भक्तों के बीच में गोपाल साक्षात आए हैं। कल तो ऐसा लगा हमारे बीच में, क्योंकि ये उत्सव इसीलिए तो मनाते हैं हम। अब हम कलयुग में बैठे हैं, हम लोग कोई द्वापर में तो जा नहीं सकते, हम तो कलयुग में जीने वाले जीव हैं, हम द्वापर में नहीं जा सकते, तो क्या हुआ, कम से कम ठाकुर जी का उत्सव मनाकर उस आनंद को थोड़ा सा अनुभव तो कर सकते हैं। थोड़ी सी झलक तो ले ही सकते हैं कि 5,000 साल पहले कौन सा आनंद बरसा था गोकुल। नंद स्वात्मजुत्पन्ने जातहलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरमन्त्रितः। नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने, नंद बाबा के यहां आत्मज बनकर बांके बिहारी पर है। आत्मज माने लाला बनकर प्रभु आए। प्रेम से कहिए श्री राधे। भक्ति मार्ग बड़ा विचित्र मार्ग है, देखो ज्ञान एवं योग आदि जो मार्ग है ना, वो साधक के लिए कठिन है, ईश्वर के लिए आसान है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई योगी है कोई ज्ञानी है, वो जब उसको पाना चाहता है तो योग मार्ग में ज्ञान मार्ग में वो जो मार्ग है वो साधक के लिए, साधना करने वाले के लिए कठिन है। Oh,
बच्चों तेरी सी बोली में बात करें, बोलते भी सीधा नहीं है, बच्चों तेरी सी बोली में बात करें, बच्चों तेरी सी चादर चले मत वाला जय वृंदावन।